ऑल राइट गाइस, देखो मैं तो यही समझता हूँ कि जो साल का सबसे बड़ा सेल होता है ना, यहाँ पे एक प्रोडक्ट पे नजर सबका होता है, वो है भाई साहब आईफोन। अब ये जो आईफोन है इस साल जो फेमस रहने वाला है, मुझे जहां तक लग रहा है ये भाई साहब आईफोन 14 या ना तो 15 रहने वाला है, क्योंकि 13 को लॉन्च हुए काफी समय हो गया। अब एक बात तो मैं अच्छे तरीके से समझता हूँ कि आपको आईफोन तो बाय करना ही है, इस बीबीडी सेल हो या अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल हो, बट बजट में फिट हो जाए और प्लस में कंप्रोमाइज भी ना करना पड़े, चाहे वो डिस्प्ले हो, बैटरी हो, डिजाइन हो, मतलब परफॉर्मेंस वगैरह में भाई साहब कोई कंप्रोमाइज की जरूरत नहीं है। तो क्या ये iPhone 14 हमें 2024 में बाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या कोई और ऑप्शन देखना चाहिए, सब बढ़िया से डिस्कस करेंगे। ऐसे ये वीडियो सिर्फ मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बता रहा हूँ, आप लोग से भी मैंने कम्युनिटी पोस्ट और इंस्टाग्राम स्टोरी में डाल दिया था, ताकि आप लोग की माइंड में जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछो, ताकि वो भी मैं कवर अप कर दूँ पूरे वीडियो में, तो एक बढ़िया अच्छा खासा वीडियो बन जाएगा। अब देखो सारा स्पेक्स बाद में डिस्कस करते हैं, सबसे पहले प्राइस को लेकर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो इससे पहले जो बीबीडी सेल था इसमें इसका प्राइस अराउंड 47K के आसपास था, बट इस बार मैं श्योर हूँ कि इसका प्राइस 40, 41, 42 के बीच में रहने वाला है, 1000-2000 ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। और ये तभी होगा जब आप फर्स्ट बार में ऑर्डर मार लो, ऐसे सेल स्टार्ट हो रहा है 28 सितंबर से, और अर्ली एक्सेस चाहिए तो आपको इसके लिए वीआईपी मेंबरशिप ले लेना है, तभी जाकर आप एक आईफोन या कोई भी प्रोडक्ट बाय कर सकते हो अच्छा खासा ऑफर में। तो प्राइस तो काफ़ी बढ़िया है, नो डाउट, मतलब बढ़िया प्राइस है। अब बात करते हैं भाई साहब जो हमने एक्सपीरियंस किया है, जब ये लॉन्च हुआ था उसके मैं 2-3 महीने बाद ही बाई कर लिया था, 2023 शायद से सितंबर में लॉन्च हुआ था ऑफकोर्स, तो लगभग अराउंड मुझे 2 साल हो गए यूज करते हुए। तो सारा चीज़ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो इसका डिज़ाइन है और जो इसका कंडीशन है अभी, ये काफ़ी बढ़िया है। अब इसे मैं लगभग 90% टाइम ना इसे कवर में यूज किया हूँ, एंड यहाँ पे टेम्पर ग्लास भी लगे हुए हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे एजेज वगैरह पे कहीं पे भी स्क्रैच या पेंट वगैरह तो नहीं हटा हुआ है फिलहाल, ना तो इसके बैक पैनल में कोई स्क्रैच है और ना यहाँ पे लोगो वगैरह पे कोई स्क्रैच है। अब ऐसे जब मैं इसे बाय किया था उसी समय ना इसके लेंस में एक बार डर्ट चला गया था, अब ये मेरे पास आया ही था डर्ट अंदर गया हुआ, मतलब उसके बाद कुछ इसमें गया नहीं, बाकी यहाँ पे ओवरऑल कोई दिक्कत नहीं कंडीशन में, जैसा तुम देख भी सकते हो साच ही बढ़िया है। बाकी यहाँ पे जो इसका डिज़ाइन है डेफिनेटली काफ़ी अच्छा लगता है, एक तो इसका जो फ्रेम है एल्युमिनियम का ये काफ़ी अच्छा है, एकदम से मुझे अच्छा लगता है, फील होता है, इसका राउंड कॉर्नर है तो होल्ड करने में भी दिक्कत नहीं होती है, और जो इसका साइज है ना आईफोन 14 का ये भी बहुत सही है, मतलब आराम से आप यूज कर सकते हो ईजी वे से, एक हैंड में कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। अब देखो इसमें एक दिक्कत ये है कि भाई साहब ना लाइटनिंग पोर्ट के साथ आता है, अब आईफोन 15 में आपको टाइप सी मिलता है, इसमें तो लाइटनिंग पोर्ट है, तो थोड़ा सा अगर आप लाइव स्ट्रीम वगैरह करते हो तो एक्सेसरीज वगैरह कनेक्ट करने में दिक्कत हो सकती है, बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा यहाँ बात करूँ भाई इसके डिस्प्ले का, तो देखो 6.1 इंच का XDR OLED डिस्प्ले इसका, 60Hz, ये याद रखना जो अभी तक बदला नहीं है यार। डिस्प्ले यहाँ पे सबसे पहले देखे तो अच्छा खासा, मतलब कि डिस्प्ले है, कलर कंट्रास्ट डिटेल्स वगैरह बढ़िया है, टच रिस्पॉन्स वगैरह काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा इसमें आपको 800 निट्स का ब्राइटनेस मिल जाता है और 1200 निट्स का पीक ब्राइटनेस मिलता है, जो कि काफ़ी इनफ है, आराम से आप इसे यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको फेस नहीं होगी। इसके अलावा इसका जो साउंड है ये अभी तक भी काफ़ी बढ़िया साउंड है, जैसे यहाँ पे एक बार वीडियो और ऑडियो में प्ले कर रहा हूँ, आप एक बार ये देखो, डेफिनेटली यहाँ पे वीडियो और साउंड का आइडिया तुम्हें लग गया होगा कि कितना बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं भाई, बढ़िया साउंड है। अब इसके अलावा ना दो चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, इसका फेस आईडी भी अच्छे तरीकों से अभी तक काम कर रहा है, बढ़िया से काम करता है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होती है। और सेकेंड ये IP68 के साथ आता है, जिसे आप अप टू 30 मिनट्स तक 6 मीटर लो तक आप वाटर में आराम से ले जा सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बढ़िया से इस फोन को आप यूज़ कर सकते हो, मतलब अच्छा खासा स्विमिंग पूल में वीडियो वगैरह निकाल सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस को लेकर, क्योंकि ये ना सबसे ज़्यादा लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है, ऐसे आप लोगों ने पूछा भी है कि भाई इसमें गेमिंग वगैरह कैसा हो जाएगा अगर हम एक अच्छा खासा लेवल पर गेम खेलना चाह रहे हैं प्रोफेशनल लेवल का, तो ये गेम वगैरह किस तरह से हैंडल करता है। इसमें तुम्हें A15 चिप मिल जाता है और साथ में iOS 18 का अपडेट आ चुका है, और एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, सॉफ्टवेयर जो अपडेट होने वाला है ये ऐसे आईफोन का 5 साल रहता है। तो देखो मैंने इसे सितंबर में बाय किया था 2022 में, तो अभी भी इसमें ना 2-3 साल अपडेट आएंगे, तो यानी कि 2 साल तो पूरा श्योर है कि भाई साहब फ्यूचर प्रूफ है, आराम से इसमें अपडेट वगैरह आएगा, तुम अपडेट कर सकते हो। तो 19 हो गए, 20 हो गए और 21 तक आपको अच्छा खासा अपडेट मिलेगा, तो फ्यूचर प्रूफ तो है, एक अच्छा सेंस बनाता है। बाकी परफॉर्मेंस पे देखो मैं आपको नॉर्मल डे टू डे लाइफ की चीजें बताता हूँ, इसमें आप 10-15 ऐप्स ओपन कर लो, साथ में यूट्यूब ओपन कर लो, मल्टीटास्किंग कर लो, जो करना है कर लो भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं आपको होगी, बढ़िया से यहाँ पे यूज कर सकते हो,
इवन आपको इतना बटर स्मूथ फील होगा कि आपको रियलाइज ही नहीं होगा कि कुछ भी अटक रहा है भाई। अटकता ही नहीं है तो क्यों अटकेगा भाई। बढ़िया, यहाँ पे सारा चीज़ है। अब बात करते हैं भाई थोड़ा हैवी टास्क वगैरह को लेकर। तो देखो यहाँ पे ना सबसे पहले मैं तुम्हें दिखाता हूँ BGMI प्ले करके, एंड जो मैक्सिमम ग्राफिक्स है ये HDR पर एक्सट्रीम करके तुम खेल सकते हो। तो देख सकते हो यहाँ पे जो BGMI में सेटिंग वगैरह है ये मैंने हाई पे रखा है, एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छा ग्राफिक्स के साथ अच्छा खासा यहाँ पे गेम चल रहा है, ना कहीं पे लैग है ना कहीं पे जर्क है, काफ़ी स्मूथ सा गेम प्ले एक्सपीरियंस रहा है। बाकी यहाँ पे एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूँ कि ये जो गेम प्ले कर रहा हूँ ये अभी मैं नॉर्मल गेम खेल रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा अगर आप प्रोफेशनल लेवल का गेमिंग करना चाह रहे हो, साथ में लाइव स्ट्रीम करना चाह रहे हो, तो भी ये आपको करा देगा। अब देखो परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो जो बैटरी वगैरह ये कितना अच्छा है अभी के टाइम में, तो सबसे पहले यहाँ बैटरी हेल्थ मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि आपने क्वेश्चन भी किया था कि भाई अभी बैटरी हेल्थ कितना है। तो अराउंड मुझे 2 साल हो चुके हैं यूज करते हुए, अभी यहाँ पे जो बैटरी लाइफ है ये 89% है। ऐसे यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइम अभी जो मुझे मिल रहा है ये अराउंड 8 आवर्स के आसपास है, इसे मैं ज़्यादा हैवी यूज करता नहीं हूँ, तो आराम से ये 9-10 घंटे भी चल जाते हैं। ऐसे मेरा एवरेज जो स्क्रीन ऑन टाइम रहता है ये लगभग 2 घंटा 36 मिनट के आसपास रहता है, जैसे यहाँ पे आप देख भी सकते हो। बाकी ये आपके यूज पे डिपेंड करता है, मैं तो यहाँ पे इंस्टाग्राम हो गए, यूट्यूब हो गए, कैमरा वगैरह हो गए, यही सब यूज करता हूँ। ऐसे यहाँ पे जो टोटल बैटरी कैपेसिटी है इसका ये 3280 के आसपास है, जो कि काइंड ऑफ अच्छा है, जो कि 20W चार्जर के साथ आता है। बाकी अब बात आती है कनेक्टिविटी को लेकर, तो देखो ये 5G के साथ आता है, तो यहाँ पे मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत है, नेटवर्किंग में कोई दिक्कत है, कभी नहीं। कॉल वगैरह बढ़िया से प्लेस होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बात वगैरह अच्छे तरीकों से हो जाता है। बाकी यहाँ पे अच्छा खासा आपको ब्लूटूथ भी मिल जाता है, साथ में वाईफाई वगैरह भी काफी अच्छा है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे आते हैं, वो है इसका कैमरा। तो बैक साइड में आपको 12 मेगापिक्सल + 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, इसके बाद ये कि यहाँ पे आपको मिलता है 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। तो देखो आप में से बहुत सारे लोग ये भी कमेंट किए हो मुझे कि भाई साहब कैमरा कितना अच्छा है, तो देखो फोटोग्राफी वगैरह में देखिए तो कैमरा अच्छा खासा रोल प्ले करता है, नाइट मोड हो गया, साथ में पोर्ट्रेट हो गया, ये सब में अच्छा काम कर जाता है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ फोटो सैंपल मैंने कैप्चर किए, अच्छा खासा यहाँ पे लाइट को एडजस्ट करके फोटो वगैरह कैप्चर किया है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फ्रंट कैमरा भी काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है, जैसे यहाँ पे सैंपल भी देख सकते हो, अच्छा खासा फोटो निकाल लेता है। आते हैं अब यहाँ वीडियो के ऊपर, अभी ये रिकॉर्डिंग हो रहा है इसके 4K 60 FPS में, एंड देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरह से भी कलर वगैरह को एडजस्ट किया है, एंड डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। एंड यहाँ पर देख सकते हो जो स्मूथनेस है एंड जो सारा चीज़ें आपके नज़र के सामने। बाकी इसका क्लाउड वगैरह भी देख सकते हो, काफ़ी नेचुरल एंड काफ़ी अच्छा है। इवन यहाँ पे आईफोन का तो वीडियो प्रोसेसिंग डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया रहता है, ये जैसे यहाँ पे देख सकते हो कहीं पे भी कोई लैग या जिटर वगैरह आपको नहीं देखने को मिलता है। इसका फ्रंट कैमरा जो कि सेम 4K 60 FPS पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, एंड यहाँ पर देख सकते हो जो वीडियो में प्रोसेसिंग कर रहा है, इवन यहाँ पर जो कलर है, जो कॉन्ट्रास्ट है, थोड़ा सा बैकग्राउंड यहाँ पर देख सकते हो ना ओवर एक्सपोज कर रहा है। अभी ये जैसे मैंने यहाँ पर टैप किया तो देख सकते हो काफ़ी अच्छे तरीक़ों से कलर वगैरह को एडजस्ट कर लिया है, कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपोजर नहीं है, काफ़ी सारा चीज़ बढ़िया तरीक़ों से एडजस्ट किया हुआ है। अब ये इसका सिनेमैटिक वीडियो रिकॉर्डिंग है जो कि 4K 30 FPS में आप कर सकते हो, एंड देख सकते हो बैकग्राउंड वगैरह अच्छे तरीक़ों से ब्लर किया है, एंड काफ़ी अच्छा डिटेल्स यहाँ पे निकल कर आया है। आई थिंक iOS 18 आने के बाद ना थोड़ा अच्छे तरीकों से ये वर्क कर रहा है, नहीं तो पहले एज डिटेक्शन इतना बढ़िया नहीं था आईफोन के सिनेमैटिक वीडियो में। नहीं नहीं, इसके आप फ्रंट कैमरा से भी सिनेमैटिक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, एंड कुछ इस तरह क्वालिटी आपको देखने को मिलता है। इवन यहाँ पे साथ ही ब्लर वगैरह अच्छे तरीकों से हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके अब देखो iOS 18 के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, जो अभी इसका लेटेस्ट अपडेट आया है। डेफिनेटली यहाँ बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस हुई है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई कैमरा से। तो देखो कैमरा में जैसे पहले हम रिकॉर्डिंग वगैरह करते थे तो भाई रिकॉर्डिंग तो कर रहे हैं, लेकिन अगर वीडियो पॉज करना है पॉसिबल ही नहीं था, बट अब यहाँ पे देखो साइड में भाई साहब पॉज का बटन आ गया, इसे प्रेस करते वीडियो पॉज हो जाएगा फिर रिज्यूम हो जाएगा, तो इस तरह से आप कर सकते हो। ऐसे वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद भी आप बहुत सारी चीज़ कर सकते हो, जैसे वीडियो का अगर आपको एडजस्ट करना है, कलर वगैरह फिल्टर वगैरह लगाना है, क्रॉप करना है, इवन आपको यहाँ पे इसके रेजोल्यूशन को भी कम करना है ना FPS वगैरह को, तो वो आप कर सकते हो। जैसे फोटो में आप टाइमर 10 सेकेंड तक लगा सकते हो, पहले भाई साहब ये थे 3 सेकेंड तक, अब 10 सेकेंड तक लगा सकते हो। इसके अलावा शॉर्टकट टॉगल जैसे था, यहाँ पे कोई कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते थे, सारा काम आईफोन खुद अपना ही करेगा भाई, आप कुछ नहीं कर सकते थे। बट अब ये प्लस वाला आइकन में प्रेस करते ही ना यहाँ पे इसे आप छोटा बड़ा कर सकते हो अपने हिसाब से, बढ़िया है। साथ में ऐड अ कंट्रोल भी आप कर सकते हो, कुछ चीज़ों को आप यहाँ पे इतना सारा आप लगा सकते हो, मतलब बढ़िया मूव है यार, डेफिनेटली
अच्छा लगेगा आपको इस बार यूज करके। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो कुछ और भी टॉगल वगैरह है, जैसे हर्ट हो गया, म्यूजिक के हो गए। इसके बाद ये सारा चीज दिखने में अच्छा लगता है। इसके बाद यहाँ पे होम स्क्रीन के सारा जो आइकन वगैरह है इसे हम कस्टमाइज कर सकते हैं। एडिट में आना है, कस्टमाइज में जाना है, एंड यहाँ पे देखो लाइट, डार्क, ऑटोमेटिक एंड टिंटेड, ये तुम अपने हिसाब से यहाँ पे ना इसे कलर दे सकते हो। ये देखो भाई कितना खूबसूरत लग रहा है, रेड, ग्रीन, ब्लू, अब अपने बस में भी रहेगा सारा चीज़, काफ़ी बढ़िया लगता है। इसे लार्ज या स्मॉल कर सकते हो, ऑटोमेटिक में भी डाल सकते हो। अब सेटिंग में भी आपको कुछ चीज़ें चेंज देखने को मिलेगा, जैसे कि बैटरी हो गया, पर्सनल हॉटस्पॉट हो गया, मोबाइल सर्विस वगैरह, ये सब ऊपर वाले सेक्शन में आ गए। पहले ये सब नीचे रहा करता था तो भाई साहब ढूंढना पड़ता था, बट ये सारा चीज़ अब ईजी हो गया। यानी मुझे ऐसा लग रहा है ना आईफोन में iOS 18 आने से ना बहुत सारी चीज़ ईजी हो गया है, जिसे हम एक दो स्टेप में करते थे ना वो आप एक स्टेप में कर सकते हो और अच्छे तरीकों से कर सकते हो। साथ में कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिल गया है तो ये बढ़िया है। तो फाइनली गाइस बात करते हैं मुद्दे की, क्या हमें iPhone 14 बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए 2024 में। तो देखो सबसे पहले मैं तुम्हें ये बताता हूँ, कम्युनिटी में एक कमेंट था ये भी कि हमें iPhone के बदले कोई एंड्रॉयड फ़ोन बाय करना चाहिए या iPhone ही बाय करना चाहिए। तो सबसे पहले माइंड में आपको क्लैरिटी होना जरूरी है कि आपको क्या देखने हैं। देखो परफॉर्मेंस हो गया, वीडियोग्राफी हो गया, साथ में यहाँ पे साउंड वगैरह हो गए, डिस्प्ले हो गया, बिल्ड डिज़ाइन और ब्रांडिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। यस तो ये सब चाहिए तो डेफिनेटली आईफोन यहाँ पे अच्छा रोल प्ले करता है। मैं बस एक चीज़ आपको ये बोलूँगा, अगर आपको एंड्रॉयड में जाना ही है तो सैमसंग S24 भी आप देख सकते हो। अभी करेंटली प्राइस 58900 है, यानी कि 60 के आसपास है। तो देखो सैमसंग S24 का प्राइस और आईफोन 14 का प्राइस काफ़ी सिमिलर रहेगा, तो अगर आपको एंड्रॉयड देखना है तो आप सैमसंग की तरफ भी जा सकते हो। अगर आपको iOS चाहिए तो डेफिनेटली आईफोन 14 बेस्ट ऑप्शन है। तो भाई गाइस आप मुझे बताओ कि ये साल के सबसे बड़ा सेल में आप क्या बाई करने वाले हो। अगर आईफोन बाई करने वाले हो आईफोन टाइप करो, सैमसंग सैमसंग टाइप करो, जो टाइप करना है भाई सब टाइप हो करो। मैं आप सुनता हूँ फिर से एक मस्त धमाकेदार वीडियो, तो गुड बाय, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय। इसे बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार देख लेना। ओके okay?